महानगर के राजापेट चौराहे पर लगी विदर्भ स्तरीय दही हंडी रविवार को समूचे महानगर का प्रमुख आकर्षण रही। इस दही हंडी में पधारे बॉलीवुड कलाकारों ने अपना जलवा बिखेरा, तो विधायक रवि राणा के सुपुत्री का नामकरण भी इसी दही हंडी स्थल से सामूहिक रूप से किया गया। एक तरफ मंच पर दही हंडी का उत्साह बढ़ाने उपस्थित मान्यवर तमाम गोविंदा और गोविंदा पथकों का उत्साह बढ़ा रहे थे, तो दूसरी ओर दही हंडी स्थल पर चंदू सोजतिया के उत्कृष्ट नियोजन का दृश्य भी समूचे दही हंडी तक देखा गया। सिटी न्यूज चैनल पर इस समूचे दही हंडी के पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा चुके हैं, और अब आइए देखते हैं कि क्या कुछ हुआ इस दही हंडी परिसर में कुछ झलकियां। रविवार को समूचे शहर का प्रमुख आकर्षण रही राजापेट चौराहे पर लगी विदर्भ स्तरीय दही हंडी। सिटी चैनल के तमाम प्रेक्षक इस दही हंडी का सीधा प्रसारण देख चुके हैं। रविवार की सुबह 11 बजे से इस दही हंडी स्पर्धा की शुरुआत हुई, और देखते ही देखते इस दही हंडी स्पर्धा का रोमांच और उत्साह हंडी फूटे तक बढ़ते गया। देर रात तक राजापेट परिसर गोविंदा और गोपिकाओं से भरा का भरा रहा। हजारों के जनसैलाब के बीच नागपुर के गोल्डन स्पोर्ट क्लब ने मात्र 41 सेकंड में ही दही हांडी फोड़कर पहला पुरस्कार प्राप्त किया। वही स्थानीय एचपीएम के केसरी कुश्तीगीर मंडल के गोविंदा उप विजेता रहे। सुबह 11 बजे शुरू हुई ये दही हंडी रात 9:30 बजे तक बदस्तूर चलती रही। विशाल क्रेन पर 40 फुट ऊंचाई पर दही हंडी बांधी गई थी। सहभागी 22 टीमों के गोविंदा दोपहर 3 बजे तक इसे फोड़ने में असफल रहे। उसके पश्चात ये दही हंडी 30 फुट पर लाई गई। इस ऊंचाई तक भी कोई गोविंदा पथक पहुंच नहीं पाया, जिसके पश्चात शाम 6 बजे ये दही हंडी 24 फुट तक नीचे लाई गई, और नागपुर का गोल्डन स्पोर्ट क्लब इस दही हंडी को मात्र 41 सेकंड में फोड़ने में कामयाब रहा, जबकि अमरावती के केसरी कुश्तीगर मंडल ने 2 मिनट 10 सेकंड में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। विजेताओं को विधायक रवि राणा, विधायक नीलेश पावनेरकर, सुनील राणा, सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया और विभिन्न मान्यवरों के प्रमुख उपस्थिति में बख्शीश वितरित किया गया। मंच पर पधारे डॉक्टर खापड़, थ्री इडियट फेम शर्मन जोशी, भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी, रवि किशन, नेपाली अभिनेता निखिल उपरेटी, स्वाभिमानी विधायक रवि राणा, सौ नवनीत राणा आदि गोविंदा पथक और उपस्थितों में नवचेतना भरने का काम करते रहे। तो दही हंडी चमुआ पर नियंत्रण रख दही हंडी स्पर्धा दौरान उत्कृष्ट नियंत्रक की भूमिका चंदू सोजतिया ने बखूबी से अदा की। समूचा राजापेट चौराहा परिसर दही हंडी देखने उमड़े जैन सैलाब से भरा भरा रहा, जिन्होंने इस दही हंडी में खूब मजा किया। इस दौरान पानी के बौछारों का आगमन इस दही हंडी स्पर्धा को और रोमांचित करने वाला ही रहा।
दहीहांडी स्पर्धा दौरान विधायक राणा की सुपुत्री का नामकरण समारोह भी संपन्न हुआ। विभिन्न मान्यवर उपस्थित जनसैलाब के साक्षी में विधायक रवि राणा के सुपुत्री का नाम नंदिनी रखा गया। मनोज तिवारी ने सिटी न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया देते कहा, जिंदगी के लिए आप अमरावती आए, कैसा लगा आपको अमरावती? अरे मस्त, मैं मस्त हो गया हूँ और मैंने बहुत सही आंडी में गया हूँ, लेकिन ऐसा माहौल मुझे नहीं देखा। मैं मुंबई में जाता रहा हूँ और मेरी दिल की इच्छा होगी कि हर साल मैं अमरावती में आऊँ, क्योंकि समूचे मुंबई ऐसा शहर है जहाँ 40-40 किलोमीटर और अमरावती में और ये जो जोश देख रहे हैं आप, तो क्या लगता है ये कितने सालों तक इसकी यादें ताजा रहेंगी? ये हर साल और भी ताजा होता जाएगा। और रवि राणा जैसा व्यक्ति इस शहर को जो लड़का मिला है, मैं समझता हूँ कि नेता हो तो ऐसा हो यार जो लोगों को खुश करना चाहिए कि वे हर बार इस दहीहांडी में पधारेंगे। उपस्थित हुए सभी बॉलीवुड कलाकारों ने भी मंच पर बखूबी से मौज मस्ती कर अपना जलवा बिखेरा था। पूरे जोश और उत्साह के बीच संपन्न हुए इस रोमांचकारी दहीहांडी स्पर्धा की यादें अगले दहीहांडी तक ताजा रहेंगी, ये निसंदेह।
शनिवार की देर रात राजापेट परिसर में घूम रहे संदिग्ध 10 आरोपियों की टोली राजापेट पुलिस ने धर दबोची। ये 10 युवक किसी चोरी की घटना को अंजाम देकर भागने की फिराक में थे, तभी रात्रकालीन गश्त पे तैनात पुलिसकर्मियों ने इन आरोपियों को धर दबोचा। इन 10 आरोपियों से 4,000 रूपए नगद के साथ 10,000 रूपए का माल भी पुलिस ने बरामद किया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले परिसर में 10 चोरों की टोली पुलिस ने रंगे हाथ धर दबोची। रातकालीन गश्त दौरान ये चोर चोरी के घटना को अंजाम देकर भाग रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में गोविंद यादव, सागर तिवारी, प्रदीप मेश्राम, जीतू यादव, अमित फाकटे, राजू देशमुख, शमशुद्दीन पठान, राजेश कोड़े सहित कुल 10 आरोपियों का समावेश है, जिनके पास से पुलिस ने 4,000 नगद, 6 मोबाइल सहित 10,000 का माल जब्त किया है। अधिक जांच जारी है। महानगर का जिला सामान्य अस्पताल इरविन ये लाइलाज होने के चलते बदहाली झेल रहा है। यहाँ ना मरीजों को सेवा सुविधाएं मुहैया होती है, ना उन्हें इलाज होता है। इसी वजह से तड़प तड़प कर कई मरीज जान गंवा चुके हैं। जिला सामान्य रुग्णालय इरविन का प्रशासन इस गंभीर अवस्था की ओर ध्यान देवे, ऐसी मांग तमाम पेशेंट कर रहे हैं। अमरावती जिले का प्रमुख अस्पताल इरविन बदहाल अवस्था के चलते लाइलाज हो चुका है। यहाँ आने वाला पेशेंट दर्द से कराहते रहते हैं, पर उन पर इलाज ही नहीं होता। यहाँ तक के यहाँ दाखिल पेशेंटों को पलंग तक मौजूद नहीं है। समूचे इरविन परिसर में गंदगी का माहौल व्याप्त हो चुका है। इरविन प्रबंधक यानी जिला शल्य चिकित्सक ने इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की मांग उठाई जा रही है। विगत कुछ दिनों सुकड़ी नाले के बहाव में एक शव बहकर आया था, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाने से पुलिस या जांच जारी थी, लेकिन इस लावारिस व्यक्ति की पहचान रविवार को हो गई है। मृतक के परिजनों ने और परिसर वासियों ने इस घटना के पीछे हत्या का संदेह जताकर पुलिस या जांच की मांग की है। विगत दिनों पहले सुकली बनारसी के लेंडी नाले में एक युवक का शव पाया गया था, तब से पुलिस इस युवक के शिनाख्त में लगी थी। आखिर रविवार को इस युवक की पहचान हो गई। इस युवक की पहचान रामहरि मनोहर पारिसे के रूप में हुई है और वह विगत कुछ दिनों से लापता था। मृतक के पिता ने शिकायत कर इस संदिग्ध मौत के पीछे हत्या का आरोप लगाया है। नागपुर गेट पुलिस थाने में बड़ी संख्या में पहुंचकर सुकली वासियों ने पुलिस से गहन जांच कर इस मौत की गुत्थी सुलझाने की मांग की है। एक नजर धारणी की कुछ खबरों पर। आदिवासी प्रकल्प कार्यालय धारणी की ओर से आयोजित आदिवासी जनजागृति सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ। आदिवासी क्रांति पुरुष बिरसा मुंडा के स्मृति में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। विभिन्न गणमान्य मान्यवर इस आदिवासी जागृति सम्मेलन में उपस्थित थे। धारणी के समाज मंदिर में ये आयोजन संपन्न हुआ। ही स्कीम राबवत आहोत। या अगरबत्तीच्या प्रशिक्षणासाठी आपण महिला बचत गट, 10 महिलांचा एक बचत गट असेल, आदिवासी महिलांचा बचत गट, विशेष म्हणजे आपला प्रकल्प कार्य फक्त आदिवासींसाठीच काम करतो, तर आदिवासी महिलांचा जो बचत गट आहे अशा 10 महिला बचत गटांना आपण अगरबत्ती तयार करण्याचे यंत्र देणार आहोत आणि त्यामध्ये आपण त्या महिलांना प्रशिक्षण देणार आहोत आणि त्याच्यासाठी त्याचबरोबर त्यांनी तयार केलेल्या अगरबत्त्यांना मार्केटमध्ये व्हॅल्यू व्हावा आणि त्यांना मार्केट मिळावं याच्यासाठी सुद्धा प्रकल्प कार्यालयामार्फत प्रयत्न केले जाणार आहेत। धारणी शहर के राधाकृष्ण मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी धूमधाम से संपन्न हुआ। ढोल ताशे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकालकर और राम मंदिर में दही हांडी फोड़कर इस जन्माष्टमी उत्सव का समापन किया गया। समूचे शहर और तहसील क्षेत्र के नागरिक इस जन्माष्टमी महोत्सव में सहभागी हुए थे। तो ये थी इस बुलेटिन की कुछ खबरें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नित्य नयन अपडेट के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। विवाह एक पवित्र भारतीय परंपरा जो कभी बदल नहीं सकती, वैसे ही मंगल एवं आपके बीच का विश्वास कभी बदल नहीं सकता।
विश्वास से जुड़ा है मंगल, मंगल से जुड़ा है मंगलम। परंपरा और विश्वास का संगम, मंगल वस्त्रालय एवं मंगलम, जय स्तंभ चौक, अमरावती। आराधना एक ऐसा नाम जहां साड़ियों के अनोखे रंग हैं, सजने के कई अंदाज हैं, जहां दिल में नई उमंगे हैं, सवरने को खूबसूरत बहाने हैं, जहां ऊंचे व्यक्तिमत्व की अभिलाषा है, फैशन की नई परिभाषा है, जहां खुशियों के पल हजार है, विश्वास और प्यार का नाजुक बंधन है। आराधना इसीलिए तो सबके दिल में है। आराधना जवाहर रोड, अमरावती। प्रणाम जी जी, हम इंदू बाना बोल रही हैं, आकोला से। जी जी, ब्याह की तारीख नजदीक आ रही है और गहनों की खरीदी नहीं हो पा रही है। नागपुर और जलगांव के बड़े बड़े शोरूम देखे, कहीं भाव ज्यादा है तो कहीं डिजाइन ही पसंद नहीं आ रही, मन उदास सा हो गया है। अरे बहना, क्यों जाएं नागपुर और क्यों जाएं जलगांव, इन बड़े शहरों के शोरूमों से तो अपना जेपी कोठारी ज्वेलर्स अमरावती का शोरूम ज्यादा सस्ता है। तेरे लिए खास डायमंड ज्वेलरी, जड़ाऊ कुंदन के पोल की सेट और सोने के आभूषण तो जेपी कोठारी ज्वेलर्स से ही लेंगे। साथ ही लेन देन के चांदी के गिफ्ट आर्टिकल्स और बर्तन भी ले लेंगे। सारा काम अपने बजट में ही हो जाएगा। वाह जी जी, कोठारी जी ने तो चिंता मुक्त ही कर दिया, मैं कल ही अमरावती आ रही हूँ। मधुबाला, तुम तो बड़ी होशियार हो। मैंने अपनी शादी की ज्वेलरी भी तो जेपी कोठारी ज्वेलर्स से ही ली थी। यदि ऐसा है तो तुम अपने लिए भी जेपी कोठारी ज्वेलर्स से ज्वेलरी ले आना और अपनी सखियों को भी साथ ले जाना। मम्मी, मधुबाला। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर, आ जा। इंडिया बुल्स होम लोन्स